हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वरिष्ठ विद्यालय की तरफ से आप सभी के लिए एक अपडेट्स है। हम इसकी पूरी अपडेट्स आप सभी को नोटिस के माध्यम से अपडेट करने वाले हो। तो फ्रेंड्स, अपडेट बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही प्राप्त हो सके। और जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करते नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, ताकि वह विश्वविद्यालय की तरफ से या विश्वविद्यालय के एफिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट्स है, वो सारी जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके पूरे अपडेट्स आप सभी को नोटिस के माध्यम से अपडेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अपडेट्स में आप सभी को बताया जा रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पे प्रेस विज्ञापित में बताया गया है। अयोध्या द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2022 के वार्षिक स्नातक प्रस्नातक स्तर की छुट्टी हुई प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाएं निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप सभी को दिया गया है कि आप सभी को बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 की जो वार्षिक स्नातक और प्रस्नातक स्तर की जो जिनकी भी छूटी हुई प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाएं, उन सभी का यहाँ पे देखिए कार्यक्रम है जो कि परीक्षा केंद्र पर संपन्न होगी। यहाँ पे देखिए आप सभी को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप सभी को दिया गया है दिन समय और प्रायोगिक मौखिक विषयों का नाम, स्नातक और प्रस्नातक के लिए परीक्षा केंद्र दिया गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल परीक्षा का तिथि है जो कि 23/8/2022 से लेकर के 27/8/2022 तक ले होने वाली आप सभी की परीक्षा यहाँ पे देखिए होगी। आगे देखिए आप सभी को बताया जा रहा है, जिन परीक्षार्थियों की वर्ष 2022 की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा छूट गई है, परीक्षार्थी उपयुक्त विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र उपस्थिति होकर परीक्षा देने का कष्ट करें। इसके उपरांत किसी भी दशा में छूटी हुई प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं कराई जाएगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति जो उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जिनका प्राचार्य द्वारा अग्रेषारित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय में गत वर्षों में परीक्षा शुल्क स्नातक स्तर पर प्रति प्रायोगिक 1000 रुपये तथा प्रस्नातक स्तर पर प्रति प्रायोगिक मौखिक 1500 रुपये ऑनलाइन शुल्क रसीद के साथ दिनांक 22/8/2022 तक प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप सभी को बताया गया है कि जो भी मौखिक और प्रायोगिक परीक्षा छूटी हुई है, तो यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षा केंद्र के साथ उपस्थिति होकर यहाँ पे देने का कष्ट किया जा रहा है। इसके उपरांत यहाँ पे देखिए किसी भी दशा में छूटी हुई प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाएँ हैं वो की संपन्न नहीं करवाई जाएगी। यानी कि ये आप सभी को ये है जो कि लास्ट चांसेस है, तो आप लोग जो जिनका भी छूटा हुआ है वो सभी स्टूडेंट्स अपना परीक्षा दे दीजिए। इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति है केवल उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जिनका प्राचार्य द्वारा अग्रेषारित आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की गत वर्षों में निर्धारित छूटी परीक्षा केंद्र स्नातक स्तर पर है जो कि 1000 और प्रस्नातक स्तर पर है जो कि 1500 रुपया ऑनलाइन शुल्क रसीद के साथ इतना 22/8/2022 तक प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए अपडेट्स आई थी आप सभी के लिए विश्वविद्यालय की ओर से। मैं सारी अपडेट्स यहाँ पे देखिए आप सभी को अपडेट कर दी हूँ जो भी अपडेट्स आई थी विश्वविद्यालय की तरफ से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाले कोई भी अपडेट्स रहे विश्वविद्यालय की ओर से वो सारी जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।